मुझे वहां भी पूछा ना कि तुमको किसने भेजा है, तो मैंने आपका नाम नहीं लिया केशव दादा, मैंने बोला मुझे अन्ना ने भेजा है। अरे बड़ा, अन्ना का नाम लेने की क्या जरूरत थी, प्रभाकर दादा का नाम भी तो ले सकता था, इन्होंने भेजा करके। अरे ये सारी बात में मैं कहां से आया। हाँ तो फिर वो वाला गाना सुनाइए जरा। मैं ठहरा बोला रे बोला, माधुरी नाची डोला रे डोला। डोला खबरदार जो तूने तेरा मुंह खोला रे खोला, प्रभाकर तुझे गाना 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 है, गाना गाना है, और तुझे निर्लज कपटी षड्यंत्रकारी खलनायक। हाँ खलनायक दुर्योधन। अरे बंद करो बंद करो केशव नालायक। अरे तेरी वजह से मैंने उर्मिला बहन के घर जाकर ये कोथिंबीर वड़ी तो सब टूट रही है तेल में, देखो। अन्ना क्या किया आपने? मैं शांति हूँ। आप शांत रहिए ऐसा मैंने बोला ही नहीं। आप शांत रहिए ऐसा उर्मिला बहन को कहना पड़ेगा मुझे, पर वो शांत नहीं रहेगी क्योंकि उसकी कोथिंबीर वड़ी तो मैं क्या की कोथिंबीर वड़ी। अरे तो चूल्हा स्लो कर, चूल्हा स्लो कर। अरे ये सिगड़ी है चक्रमलाल। हाँ। इसमें नॉब नहीं होता ही अपने गैस की तरह कि उसको स्लो करूं घुमा के। कोथिंबीर वड़ी में टमाटर का रस डालते हैं ऐसा बोल के अन्ना साहब ने जानबूझ के हमें भटकाया है। तू लिख ले, टेक इट फ्रॉम मी। ए राम, ये तो सब ककड़ भूस हो गई महेंद्र, कोथिंबीर वड़ी का जूस बन गया तेल में। कढ़ाई नीचे उतार। वाली कोथिंबीर वड़ी। उर्मिला बहन क्या हुआ? जोचना अपराध हो गया मुझसे। आपने हमारे साथ चालबाजी की ना अन्ना साहब। लेकिन कसूर मेरा नहीं है। हाँ महेंद्र भाऊ, वो हमारा केशव है ना नालायक, वो उसने भेजा था अमोल को आप लोगों को परेशान करने के लिए। है, लेकिन अमोल ने तो हमको बोला कि आपने उसे भेजा था। हाँ तभी तो हमने अमोल के साथ बिस्किट को भिजवाया आपकी हवा टाइट करने के लिए। अगर भाई निर्मिति। हाँ ये उर्मिला वहनी देख किसे फूट फूट के रो रही है। वहनी निर्मिति तू भी रोएगी फूट फूट के अगर फूट फूट वाले इस इशारे का मतलब पूछा है तो। हाँ 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 हाँ। गप्पा बसा तुम्हें धोगी, गप्पा बस। क्षमा क्षमा कर दीजिए उर्मिला बहन। देखिए ये कोथिंबीर वड़ी टूटी तो टूटी। हाँ आपने बनाए हुए दूसरे व्यंजन तो अप्रतिम होंगे ना। हाँ। तो क्या है ना आपके बनाए हुए मराठी व्यंजन और हमारे बनाए हुए गुजराती व्यंजन सब मिलकर साथ में खाते हैं एक परिवार की तरह। हाँ? ठीक है। आई हाँ पूछ ले तू। हाँ दरअसल मुझे भी जानना है कि फुट फुट के रोने का इशारा ऐसा कैसा। मुझे भी। आहो, ये खाली फुट फुट का इशारा था। वो हम लोग किसी को भगाने के लिए कहते हैं ना फुट ए फुट 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 चल। फुट फुट फुट। अरे चलो चलो अभी वाड़े में जाके सब लोग खाते हैं। जीवन तो एक हवन ढोकला। अरे नहीं, नहीं।
चल चल बंडिया, जल्दी खाना खिला, मेरे पेट में ना बिल्ली दौड़ रही है, बिल्ली। काका, पेट में चूहे दौड़ते हैं, चूहे। हाँ तो चूहे दौड़ रहे हैं, उनको पकड़ने के लिए तो बिल्ली दौड़ रही है। ये लीजिए, गरम गरम पूरी और श्रीखंड भी है पापा। अरे वाह, विलन मोगेम्बो। क्या? हाँ, अमरीश पुरी। पुरी उज्ज्वला, तू भी बैठ, आज मैं और बंडिया तुम दोनों को खाना परोसेंगे। ओहो हो हो, मंदा दादा, आज हमारी इतनी खातिरदारी। मेरे अन्ना ने आज तय किया है कि हम पुरुष खाना परोसेंगे और नारियां खाएंगी। फिर तो मैं बाहर जाके ही खाऊंगी। अरे, अन्ना की सेवा का लाभ लेने का ऐसा मौका कब मिलेगा? ए मेनका, तू बैठ ना, खाना। संभाल के पापा, धीरे धीरे धीरे, जल्दी किस बात की है? खाने के बाद ना बाकरवाड़ी स्पर्धा होने वाली है, तो उसमें तो मेरे अन्ना ही जीतेंगे देखना, क्योंकि बाकरवाड़ी में मेरे अन्ना अपनी आत्मा डाल देते हैं। आत्मा? अच्छा, मतलब अन्ना हर रोज मर जाते हैं बाकरवाड़ी बना के? क्या? हाँ, अपने शरीर में से आत्मा निकल के डाल देंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे अन्ना? ओफो पापा, ऐसा सिर्फ बोलते हैं। हाँ। तो तुम दोनों को लेके लोग जो बोलते हैं वो भी ऐसे ही बोलते हैं? क्या बोलते हैं लोग? वो लोग बोलते हैं कि माँ बाप के होते हुए भी अनाथ हो तुम दोनों। माँ भाग गई और बाप नहीं भागा, मेनका अभागी, बंडिया अभागा। काका, ये दोनों अनाथ कैसे हो सकते हैं? अरे, इनके सर पर मेरा हाथ है और हम सबके सिर पर हमारे अन्ना का हाथ है। आइए आइए, आओ आओ, ज्योत्सना गौरी, चलती हो तो भीम पायल के भी आवाज आती है। चलो, नमस्कार नमस्कार। चलो अभी। अन्ना, अरे, आज तो खाने की बारी पहले औरतों की है। अरे केशवी, तू कधी आलीस? साड़ी तो पहन लेती। आज सिर्फ ब्लाउज और पेटीकोट पहन के आ गई। थोड़ी थोड़ी पुरुष जैसे दिखने लगी है, नहीं? छकुली, ओ झकुली। चल, अभी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। हाँ, खड़ी हो जा, खड़ी हो जा, वरना। चलो अभी परोसते हैं। अहो, ये क्या कर रहे हैं आप? ज्योत्सना गौरी, आज हम सब ने तय किया है कि आज सारी अन्नपूर्णाएं खाएंगी और हम सेवक परोसेंगे। हाँ, चलो चलो, परोसना शुरू कर देते हैं। और प्रभाकर, हाँ, अपने गानों को लेकर थोड़ी बहुत जुगलबंदी भी शुरू कर देते हैं। हाँ? अरे हाँ, आप शुरू कीजिए महफिल। ठीक है ठीक है। अरे क्या ठीक है ठीक है? हाँ? उर्मिला बहन की थाली खाली है, उन्हें खाना परोसिए महेंद्र भाऊ। पहले हाथ चलाइए फटाफट, मुंह बाद में चलाएंगे हम। हाँ? चल चल। धन्यवाद बाळू। अरे बाळू महेंद्र, परोस दिया है तो अपने हाथों से खिला भी दीजिए ना। हगो भाई,
रोमांस इस उम्र में? ए दिया दिया महेंद्र, भारी भरकम वाला दिया। पूछ लीजिए मतलब मति बहन। क्या? पूछ लीजिए अच्छा हुआ सरक गई गाने की बात। अभी देखना कोई भी मौका ना मिले इनकी जुगलबंदी शुरू होने का। उम्र का इशारा? ऐसे कैसे? क्यों? वो अपने खास ग्राहक है ना बाकरवड़ी के, अहमद मियां, उनके छोटे भाई उमर मियां शायर है ना, वो ऐसे ही तो करते हैं, आधा भर दे। ये उमर का इशारा था। आगा भाई, अन्ना। आ बड़ा बोल। शायरी पे से अच्छा याद आया, यहाँ दो इतने मशहूर शायर हैं, प्रभाकर काका और महेंद्र अंकल, तो क्यों ना गीत और संगीत हो जाए? हाँ हाँ क्यों नहीं बेटा, हम तो शुरू करने ही वाले हैं। अब देख सुनना। खाते बात नहीं महेंद्र भाऊ, खाते बात नहीं। हाँ अरे हम कहाँ खाना खा रहे हैं, हम तो परोस रहे हैं। हाँ तो खाने लगी है? हाँ भूख लगी है ना आपको, खाने लगी है? नहीं नहीं अन्ना साहब मुझे भूख नहीं लगी। लगी है आपको भूख? आपको ज्यादा पता है मुझे। खाने लगी। प्रभाकर तू भी खाने लग बेटा। दोनों अपनी अपनी पत्नियों के साथ खाना शुरू कर दीजिए। अरे अन्ना साहब आप मेरा गाना सुनेंगे ना तो आपकी भूख ही मिट जाएगी। उसी बात का तो डर है। क्या मतलब? हम सब ने मिलके इतना सारा खाना बनाया है, सब बेकार हो जाएगा। अरे बेकार से याद आया। इर्शाद जीवन निर्मित जीवन तो है महेंद्र भाऊ। शायरी तो होती रहेगी। आज प्रास अनुप्रास रखते हैं ना? मस्त मगा। कैसा रहे अगर शायरी की जगह हम सब काफिया में करें बात? हाँ क्योंकि प्रभाकर के गाने सुन के मुझे लगता है आघात। बात आघात। अरे नहीं नहीं अन्ना काफिया नहीं, रखते हैं ना शेरो शायरी। मैं जाके लाता हूँ मेरी भारी भरकम डायरी। रुक जा बेटा प्रभाकर, काफिया भी है। अच्छा एक फिल्म में था ना ऐसा ही एक सीन। हाँ हाँ ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म थी अप्रतिम, जिसमें हीरोइन थी रेखा, सुंदर हसीन। क्या बात है। और हम सब देखने गए थे 12 से 3, जहाँ पर खराब हो गई थी प्रोजेक्टर की स्क्रीन। सबर। अभी देखना समंदर खारा और खबर खमन ढोकला कहीं भी आना नहीं चाहिए। हाँ कुछ बोलते रहना। अभिषेक अभिषेक खांडवी परोस, तू भी तो कुछ बोल, बना एक नया काफिया, जरा तो मुँह खोल। वाह गायत्री ये थोड़ी खांडवी चखो, अन्ना ने बनाई है कमाल। लेकिन प्रभाकर दादा का कहना है कि इससे बेहतर है महेंद्र भाऊ की दाल। नालायक, दाल और खांडवी की तुलना होती ही नहीं है घर चक्कर। लेकिन मैंने तो बोला कि आपका मोहन थाल बेस्ट है, सही मात्रा में है घी शक्कर। वावा वावा काफिया वावा वावा वावा। ओ बस बस बस, इतनी सब्जी मेरी थाली में क्यों डाल रहे हैं? सासू भाई अन्ना आपको मोटा बना के खुद का वजन संभाल रहे हैं। लेकिन आप ये झुमका थाली से बाहर क्यों निकाल रहे हैं? इस झुमका को झुमका कह के आप मेरा दिमाग उबाल रहे हैं। दोनों जहाँ से ही शुरू होते हैं ना, तो आप भी क्या बाल की खाल निकाल रहे हैं? बहन हो तो ऐसी, बहन हो तो ऐसी। अच्छा खाते खाते झगड़ा नहीं, ये पुणेरी मिसले हमारा गुजराती रगड़ा नहीं। रगड़ा झगड़ा। इस खांडवी पे तो अंकल असल गुजराती छाप है, क्योंकि खाना बनाने में मेरे अन्ना तुम्हारे पापा की भी बाप है। क्या पते की बात कही है बाड़ा, तू ले ले मुझसे चुम्मी।
लेकिन भाखरवड़ी स्पर्धा मैं ही जीतूंगा, आप लिख लीजिए टेक इट फ्रॉम मी। चुम्मी, टिकट फ्रॉम मी, टिकट। एकदम सही जा रहा है, एकदम सही जा रहा है धर्ग। ये आंटी तो जबरदस्त है, किसने है बनाई? खाके मेरा रोम रोम बोले बाय 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 बाय। अरे पर रोम का इशारा ऐसे कैसे? सोच के बुद्धि होती है खर्च। क्यों, रोम शहर में नहीं होते हैं क्या सुंदर सुंदर चर्च? खर्चा चर्चा। चलो चलो, खाना हो गया हो तो थाली करो साफ चकाचक। जीवन तो है टेबल टेनिस। टकाटक टकाटक टकाटक। ये आपने क्या किया ना, चकाचक की जगह नहीं बोल सकते थे चमक? चमक चमक, समंदर खारा होता है क्योंकि होता है उसमें नमक। आप तो मर गए केशव, क्योंकि प्रभाकर महेंद्र एक हुए। दाल समंदर एक हुए, हाथी बंदर एक हुए। अरे अरे रे रे, मुझसे ही हो गई प्रास देने में बहुत बड़ी गड़बड़। जीवन तो है गोला शरबत, सबड़ 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 सबड़। जीवन तो है खबर ढोकला, खबर 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 खबर। अहो, मैं शांति हूँ। आप शांति रहिए, इन दोनों को मौका देके आपने सबकी वोट लगा दी है कि नहीं, बोलो। हाँ इस साल चुनाव में इस पेंसे को हराए। जहां हमारे देश की युवा पीढ़ी राजनीति की शक्ल बदल रही है, स्वच्छ बना रही है, वहां ऐसे पेंसे जैसे गुंडे नासूर की तरह फिर से गंदा बना रहे हैं। तुमने अभी मेरी राजनीति देखी नहीं? बहुत घमंड है ना तुम्हें अपनी इस गोखले बंधु बाकड़वड़ी पे? 2 दिन के अंदर तुम्हारी ये दुकान जब्त करके तुम्हारा धंधा ना चौपट कर दिया तो नाम बदल देना, लगा दो नोटिस। उधर नहीं मूर्ख, वो दुकान तो अभी तक खुली भी नहीं। ये उस अहंकारी अन्ना की दुकान, जाओ वहां नोटिस लगाओ। और तुम जाके देखो क्या हो रहा है। जी सर। आ गए, आ गए बाकरवाड़ी, आ गए। बिग हैंड, बिग हैंड। चलो महेंद्र भाऊ, अभी बाकरवड़ी स्पर्धा शुरू करें। लेकिन निर्णायक तो अभी तक आया ही नहीं है। अरे हाँ, मैं बताना भूल ही गया, वो उनका फोन आया था, वो बेचारे नहीं आ पाएंगे जरा। हाय हाय, क्या और अन्ना साहब, ये थे कौन ये निर्णायक? हाँ, और बिना निर्णय के हम तय कैसे करेंगे कि कौन सी भाखरवड़ी बेस्ट है? हाँ, मतदान से। क्या? हाँ, हम सबको दोनों प्रकार की भाखरवड़ी चखनी है और गुप्त मतदान के जरिए अपना अपना मत देना है। अच्छा, नहीं दूंगा। देना है बाड़ा, तू भी देना मत। पहले क्या बोले, मत देना, तो मैंने कहा नहीं दूंगा। फिर बोले देना है बाड़ा, और फिर बोले देना मत, तो भी मैं दूं या ना दूं? अरे देना मत देना। फिर से दोनों बोले देना मत देना। बोलता था वोट देना है। वोट अन्ना, तूने मुझे पेंसे को अपनी दुकान से भगाया था ना, अब देखना कैसे ये पेंसे तुझे ही तेरी दुकान से भगाता है। छोड़िए अन्ना साहब, छोड़िए, जाने दीजिए। आपकी मराठी भाखरवड़ी बेस्ट है, अप्रतिम है आपकी भाषा में कहूं तो। आओ तो है। नहीं 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 नहीं, बेस्ट है नहीं, लेकिन ऐसा साबित करने के लिए चाल बहुत अच्छी चली आपने। चाल? हाँ, हस्तो बड़ी। हम ठहरे इन मिन्ने तीन, और आप लोग पूरी क्रिकेट की टीम है। लेकिन अगर आपकी भाखरवड़ी सही मायने में बेहतर होगी ना,
तो हम जरूर उसी को अपना मत देंगे, है ना? हाँ, बेहतर हुई तो। हाँ, और फिर गुप्त मतदान है अंडा, तो पता ही नहीं चलेगा ना कि निर्मिति और भारती वहिनी ने गुजरातियों को मत दिया है। अच्छा, मतलब अभी से तुम दोनों मेरी पीठ में खंजर मारने के लिए तैयार हो? क्यों? नहीं नहीं, हम हमारे बाकरवड़ी को ही मत देंगे अंडा। देखा देखा देखा, अगर ऐसे डरा धमका के बोलेंगे तो ये सब तो ना चाहते हुए भी आपकी भाकरवड़ी को। नहीं नहीं महेंद्र भाव, बच्चों मेरा तुम सबसे निवेदन है, जो सही लगे वही करना। और वैसे भी ये गुप्त मतदान है, तो किसने किसे मत दिया है ये तो किसी को पता नहीं चलेगा। हाँ हाँ, वो सब बराबर है, लेकिन सना बेन, जोत सना, देखा देखा, इसने तुम्हारी जोत ही बुझा दी। हाँ भाई, हाँ सेम हवे। कुछ नहीं हावे भी वे, कुछ नहीं। हाँ, अरे कल को केशव में से के निकाल दोगी तो क्या बेचारे को साहू भाई कह के बुलाओगी? तो 2 मिनट चुप रहेगी उर्मिला। देखिए, मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ, और खास तौर पे आपसे अन्ना साहब। माना कि भले ही थोड़े तेज दिमाग के और जटिल किस्म के इंसान हैं आप, थोड़े खड़ूस भी हैं, और थोड़े वो सब तो मैं हूँ बाबा। अभी और भी कुछ कहना है क्या? पर सच के पुजारी हैं, इस बात पे मैं भी मोहर लगा सकता हूँ। धन्यवाद, लेकिन अब कहना क्या चाहते हैं?